नमस्कार, हेलो एंड वेलकम आज तक और इंडिया टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, इस चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक, एक क्राउड पुलर जिनका हर वीडियो वायरल हो जा रहा है और जिन्होंने अमेठी और रायबरेली की कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमारे साथ है कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार प्रियंका जी। मैंने आपको क्राउड पुलर कहा, स्टार प्रचारक कहा, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर यह नहीं कह पाया कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। तो पहला सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक बार फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, आपने देखा मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ हूँ रायबरेली में। ये अमेठी रायबरेली क्षेत्र जो है, इसके साथ हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है, तो यहाँ लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आएंगे उनके बीच, गांव-गांव जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल से तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता, तो अगर हम दोनों लड़ते तो दोनों को 15 दिन अपने ही क्षेत्र में रहना पड़ता। हम दोनों देश भर में प्रचार कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि उचित रहेगा कि एक प्रचार करते रहे पूरे देश में, नहीं तो पूरा ये एक पूरा फेज ही निकल जाता। नहीं, यानी आप कह रही हैं आप एक ना एक दिन प्रत्याशी बनेगी? एक ना एक दिन क्या होगा, वो तो ना मैं कह सकती हूँ ना आप कह सकती, ना मैं कह सकती हूँ ना आप कह सकती। बनना चाहेंगी क्या प्रत्याशी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखिए, ये मैं प्रत्याशी बनना चाहूंगी नहीं बनना चाहूंगी, सच्चाई है कि मैंने ये सोचा ही नहीं है। मैं काम करती रहूंगी, मैंने काम किया है इस क्षेत्र में, इससे बाहर हर जगह पार्टी के लिए मैं काम करती रहूंगी। अगर उस काम में ये सबको उचित लगे कि हाँ मुझे चुनाव भी लड़ना है, मैं चुनाव भी लड़ूंगी। इसमें कौन सी इसको इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं बताऊंगा एक मिनट में कि क्यों बड़ी बात है, क्योंकि इस समय पहला सवाल ये उठता है कि एक प्रचार अब चला है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागकर, स्मृति ईरानी और बीजेपी के शब्द हैं, रायबरेली आ गए हैं, तो इसका मतलब है या प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि वो हार से डर रही है। तो ये जो एक प्रचार बीजेपी ने किया है कि राहुल गांधी भाग गए, प्रियंका गांधी चुनाव से डर रही है, इसका कैसा, अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगी तो सामना कैसा करेंगे? देखिए बताइए, गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो डर गए, वहां से भाग गए क्या? मोदी जी वडोदरा और वाराणसी पहली बार 2014 में दोनों लड़े थे। बिल्कुल नहीं लड़ रहे इस चुनाव में, क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं। आप चुनाव नहीं लड़ रही और राहुल गांधी ने अपना क्षेत्र बदल दिया। मैंने आपको स्पष्ट किया क्यों नहीं लड़ रही हूँ, मैंने स्पष्ट किया कि अगर देखिए हम बीजेपी की स्ट्रेटेजी पे थोड़ी चलेंगे, बीजेपी जो चाहेगी वो हम करेंगे। हम दोनों बैठ जाएं एक जगह और देश भर में कोई प्रचार न करे, ये तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा, ये कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं है, है कि नहीं? तो हम उनकी स्ट्रेटेजी पे चले, ये तो मुझे उचित नहीं लगता बिल्कुल। भाई हम तो वो करेंगे ना जो हम सोचते कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनकी माँ की का संसदीय क्षेत्र है ये, लेकिन और अमेठी छोड़ी थोड़ी है। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, जीतेंगे चुनाव। 40 सालों के लिए उन्होंने अमेठी की सेवा की है, गांव-गांव जानते हैं, मेरे साथ कंधा से कंधा लगा के काम किया है, तो छोड़ा थोड़ी है अमेठी को। अमेठी और रायबरेली को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, अमेठी और रायबरेली हमारा रिश्ता ही अलग है इन दोनों क्षेत्रों के साथ। क्या रिश्ता है? क्योंकि आपने एक भाषण किया था अमेठी में, बड़ी भावुक हो गई थी, आपने अपने पिताजी की याद दिलाई लोगों को, आपकी यादें आपके पिताजी के साथ, ये जो भावुक रिश्ता है, क्या ये भावुक रिश्ते पर आप अमेठी और रायबरेली की राजनीति कर रही हैं? क्योंकि ये आपकी धारणा है, ये मीडिया और बीजेपी यही प्रचार करना चाहती है कि इस रिश्ते में सिर्फ भावना ही है और सिर्फ एक क्या कहते हैं, जज्बातों का रिश्ता है। ये एक बहुत ही गहरा जज्बाती रिश्ता है, इसको मैं बिल्कुल नहीं नकारती, इसको हम पूरे परिवार, सारे परिवार के सदस्य इसको स्वीकारते हैं। हम सब जानते हैं, अमेठी की जनता भी जानती है, लेकिन हमने एक भी बार किसी और आधार पर वोट नहीं मांगा, सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है। जो काम अमेठी क्षेत्र और रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी और ने नहीं किया है,
और जितना भी प्रचार ये करते हैं, पूरी जनता अमेठी की जानती है कि क्या अमेठी में किया गया हमारे कार्यकाल में और पिछले 5 सालों में क्या हुआ। इंटरेस्टिंग आप ये कह रही हैं, क्योंकि दो बातें इससे निकलती है। एक, स्मृति ईरानी और भाजपा कहती है कि देखिए जितनी प्रगति अमेठी में पिछले 5 सालों में हुई है वो पिछले 50 साल में नहीं हुई। उनका कहना है कि ये पिछड़े इलाके हैं, रायबरेली देखिए, अमेठी देखिए, कंपेयर टू बारामती जहां शरद पवार ने बहुत काम किया है या कमलनाथ ने छिंदवाड़ा, ये पिछड़े इलाके क्यों रह गए अगर ये इतनी बड़ी वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी थी। आपने वो गांव देखा है जिसे मोदी जी ने गोद लिया वाराणसी में? जी देखा है, उसकी क्या हालत है। तो देखिए, कहने के लिए तो ये लोग कुछ भी कह लेंगे। अमेठी वालों से, रायबरेली वालों से पूछिए कि क्या क्या नहीं आया यहाँ, बीएचई, एलएचएल, उड़ान अकेडमी, आईटीआई, एम्स, एनटीपीसी, रेल कोच फैक्ट्री, रेल वॉशिंग लाइन, रेल की वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन है, तमाम हाईवे कौन लाया? मोदी जी लाए हैं, स्मृति ईरानी जी लाए हैं। पर पिछड़ा इलाका तो है अभी भी। देखिए विकास ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती। आज आप 2 काम करेंगे, कल आपको 4 काम करने पड़ेंगे। ये एक निरंतरता होती है इसमें और ये शुरू से की जा रही है। ये सारे काम, विकास के कार्य जो है, ये बहुत समय से किए जा रहे हैं और लगातार ये चलते रहते हैं। अब कभी सरकार होती है, कभी नहीं होती है। राहुल जी ने फूड पार्क शुरू करने की बात की अमेठी में, कितना विकास हो जाता उससे, इन्होंने रोक दिया है। हमने जब एम्स खोलने की बात की तो बहुत बवाल उठा, जैसे इनकी सरकार आई इन्होंने उसको एकदम छोटे पैमाने पे रखा, फिर बहुत मुश्किल से लड़ लड़ के उसको पूरे ठीक तरह से उसका निर्माण किया जी। लेकिन ये इतनी सारी चीजें जो हम लाए, इनको आप नकार तो नहीं सकते ना। इतनी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है, हजारों रोजगार मिले उससे, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। अगर आप पहले देखते तो आपको पहले के मुकाबले में देखना है ना कि कितना विकास हुआ। नहीं तो फिर राहुल गांधी हारते क्यों है 2019 का चुनाव? अगर ये सब चीजें की गई है तो स्मृति ईरानी के सामने 55,000 वोटों से क्यों हारते? और ये कहा जाता है कि जैसे हार गए उन्होंने अमेठी छोड़कर वो वायनाड चले गए और अब अमेठी से जो लगाव जिसके बारे में आप कहते हैं वो टूट गया। आप आधे घंटे के लिए मुझे वही 3 सवाल करते रहेंगे, उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ जी। और सुनिए, आपने कहा कि राहुल जी हारे उनसे, ठीक है हारे उनसे, लेकिन मैं समझती हूँ कि पिछले 5 सालों में पूरी अमेठी की जनता ने देख लिया है कि उनका मकसद यही था। वो वहां आए सिर्फ एक मकसद से, राहुल जी से लड़ना है, राहुल जी को हराना है। हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद शुरू से सेवा का मकसद रहा है। और आप कुछ भी कहें, आप किसी भी नजर से इसको देखें, वहां पे पिछले चुनाव में इतने झूठ फैलाए गए और आपकी जो मीडिया ने इतना समर्थन दिया उनको इन झूठों को फैलाने में। हमने एक परियोजना शुरू की थी, मुझे याद है, एक आग लगती थी उस समय गर्मियों में गांव में, बहुत आसानी से क्योंकि छप्पर के बड़े छत होते थे। एक बार मैं गई एक गांव में, मैंने देखा कि सारा जल गया था, महिलाएं बहुत ही प्रताड़ित थी। उसके बाद दिल्ली आई, दिल्ली में एक समारोह था, वो मोहम्मद यूनस जी जो बांग्लादेश के थे उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ शुरू करने की कोशिश करें। यहाँ हमने शुरू किए छोटे पैमाने पे पहले, फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई परियोजना, राजीव गांधी महिला विकास परियोजना, राहुल जी ने उसको खूब उठाया और बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई। अब आप पूरा प्रचार ये किया गया कि हमने जमीन हड़पने के लिए ये परियोजना की। अब इस परियोजना से लाखों महिलाओं का फायदा हुआ। मैं आज जहां जहां जाती हूँ मीटिंग में, वो कहती हैं कि परियोजना बंद क्यों कर दी? बंद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इतना बड़ा आक्रमण किया मीडिया में और ऐसे झूठों का कि अंत में बंद ही करनी पड़ी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना झूठा प्रचार हुआ और इतनी मतलब मीडिया का समर्थन था तमाम ऐसे, तो लोग बह गए होंगे लेकिन अब समझ गए। लेकिन मैं कई लोगों से मिला अमेठी में, कार्यकर्ता और लोगों से, और उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने यहाँ रहना चाहिए था, हार जीत होती रहती है, क्यों हमें छोड़कर गए हैं। तो एक तरह से ये भी, ये जो प्रचार मोदी जी कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं मीडिया आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना कि जब आप, और फिर लगा कि अगर वो नहीं रहेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसका आपने जवाब दिया, फिर कहा गया रॉबर्ट वाड्रा भी लड़ सकते हैं, उन्होंने खुद कहा था मैं लड़ूंगा अमेठी से, फिर आप किशोरीलाल शर्मा पर आते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हार जीत तो होती है राजनीति में, अगर वो वहां डटकर रहते तो आपके वर्कर का हम वहां डटकर हैं,
तो चुनाव एक तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं। ये आपकी धारणा है कि हम डट के नहीं लड़ रहे हैं, हम डट कर लड़ रहे हैं, वहाँ भी यहाँ भी, दोनों हमारी पारिवारिक क्षेत्र रहे हैं, दोनों ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनके साथ हमारा एक बहुत गहरा लगाव है और हम कभी नहीं छोड़ेंगे दोनों क्षेत्र। तो आप एक सवाल और कर दिए, इसमें तो मैं आखिरी बार पूछूंगा, तो क्या एक तरह से आप लड़ रही हैं, किशोरीलाल शर्मा तो हैं, आप जवाब क्या चाहते? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बताया आप जवाब क्या चाहते? मैं जवाब चाहता हूँ कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक तरह से इसको एक पर्सनल एक चैलेंज लिया है, स्मृति ईरानी ने एक चैलेंज रखा है और अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने चैलेंज रखा है, आप वो चैलेंज स्वीकार कर रही हैं, किशोरीलाल शर्मा है लेकिन असली प्रत्याशी आप हैं। नहीं, मैं वो जवाब नहीं दूंगी जो आप चाह रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा जी प्रत्याशी हैं, किशोरीलाल शर्मा जी स्मृति ईरानी के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और उनको हराएंगे। चुनाव के रिजल्ट के बाद आप मेरे से बात करिए। आप बिल्कुल आश्वस्त है कि आप अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेगी? ये आपने अभी भी कहा पारिवारिक रिश्ता, आपने इस पूरे चुनाव में माता पिताजी का नाम कई बार उठाया, सोनिया जी भी यहाँ कल आई थी, उन्होंने कहा कि मैं एक तरह से राहुल जी को आपको समर्पित कर रही हूँ, जो काम मैंने किया वो आपके लिए करेंगे। आपने कहा था मेरी माँ को विरासत में शहादत मिली, दौलत नहीं, एक भाषण में कहा था पिता को। आपने कहा सोनिया जी ने मांगा ने मंगल सूत्र देश के लिए एक तरह से अपना कुर्बान किया है। क्या आप एक तरह से इमोशनल अपील कर रही है जब सोनिया जी ये भाषण करती है कि आप मैं चाहते हैं, आप चाहते हैं और भाजपा चाहती है कि हम चुप रहें और हमारे परिवार के बारे में जितने भी अपशब्द बोले जाएं, जितना भी उल्टा शुल्टा बोला जाए वो ठीक है। आप चाहते हैं कि आप हमारे शहीद पिता को देशद्रोही कहें, मेरी शहीद दादी जी को देशद्रोही कहें और हम चुप रहें? ये तो आपके फायदे की बात है, हम चुप क्यों रहें भाई? हमारे परिवार ने शहीद अगर देश के लिए कुर्बानी दी है तो क्या हमें शर्माना चाहिए इस पे? मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी दादी जी 33 गोली खाई है इस देश के लिए, बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? हम बोलते हैं तो आप कहते हैं इमोशनल पिच कर रहे हैं। मोदी जी रोते हैं खामखा किसी भी छोटी चीज के लिए, इंटरव्यू में वोटों को लेने के लिए, तो वो इमोशनल पिच नहीं है, हम तो सच्चाई कह रहे हैं। मैं तो 19 साल की उम्र में अपने पिता के टुकड़े लाई हूं घर, तो मैं क्यों ना बोलूं उसके बारे में? मैं चुप क्यों हूं अगर मेरे पिता को आप देशद्रोही बोलेंगे कि पिताजी ने कानून बदले, इंदिरा जी की विरासत को बगैर टैक्स के लेने के लिए कानून बदले, क्या बकवास है ये? और आप झूठ पे झूठ फैलाए जाएं और हम चुप रहे, क्यों? तो जब सोनिया जी, मुझे तो बहुत गर्व है अपने परिवार पर और मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदा नहीं करेगा, खासतौर से बीजेपी के नेता। तो जब सोनिया जी कहती है, जैसे उन्होंने कहा रायबरेली में, कि मैं एक तरह से राहुल जी को आपके सामने सौंप रही हूँ, ये आप मेरा काम आगे रायबरेली के गाँग, ये क्या एक तरह से फिर ये कहेंगे परिवारवाद की राजनीति है? अरे सुनिए, मैं गांव-गांव में जाती हूँ। कल मैं किसी गांव से गुजर रही थी, एक महिला ने मुझे रोका, बोला रुको। मैं रुकी, ऐसे झांकी खिड़की से बाहर, दोनों हाथों को ऐसे मेरे सर पे रख के बोली विजयी भव, मुझे रोना है क्योंकि ये रिश्ता है हमारा इनके साथ, ये रिश्ता आप नहीं समझ पाएंगे और ये रिश्ता मोदी जी कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हम संकट में रहे हैं, मैंने अपने भाषण में भी बोला, जब हम संकट में रहे हैं तो अमेठी और रायबरेली की जनता हमारे साथ खड़ी रही हमेशा, और ये हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। जब आप एक राजनीतिक परिवार में जहां परदादाओं से लेकर पुश्तों के लिए ये काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, तो आपकी जो भावना होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो बहुत गहरी भावना होती है, मैं समझा भी नहीं सकती। मुझे अनुचित लगता है कि मैं उस भावना का उल्लेख भी करूं, क्योंकि आपके समझ के बाहर है। और खासतौर से जो राजनीति को एक व्यापार की तरह देखते हैं और इस तरह से देखते हैं कि इसमें से हमें कुछ अपना स्वार्थ साधना है, वो ये समझ नहीं पाएंगे, और ये हमारी सच्ची भावना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, क्योंकि बीजेपी कहती है जमाना बदल गया है, अब लोग केवल गांधी नेहरू परिवार, ये पांच पीढ़ियां मोतीलाल नेहरू से लेकर
इसी रायबरेली में फिरोज गांधी 52 का चुनाव लड़े थे, उसके बाद इंदिरा जी लड़ी, सोनिया, वो कह रहे हैं जमाना बदल गया, केवल गांधी परिवार के नाम पर वोट नहीं देंगे, अब काम पर देंगे। तो काम पे वोट ही मांगिए, तो आप भैंसों के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं, आप मंगल सूत्र के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं, आप धर्म के वोट के बल पे वोट क्यों मांग रहे हैं, आप ध्रुवीकरण करके वोट क्यों लेना चाह रहे हैं। अगर काम पे मांग रहे हैं तो मोदी जी एक भी बार क्यों नहीं बता देते जनता को कि 10 सालों में काम क्या किया है, बेरोजगारी, आपका काम और उनका काम कंपैरिजन, बिल्कुल कैसे नहीं बिल्कुल तैयार है, करें तो सही, बोले तो सही, एक चुनावी सभा में ये कह दें कि बेरोजगारी आज चरम पे है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसके बारे में मोदी जी ने 10 सालों में क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, एक बार बता दें जनता को, कांग्रेस का कंपैरिजन, सुन लीजिए मुझे बोलने दीजिए, एक बार बता दें जनता को कि अग्निवीर जैसी स्कीम क्यों लाए जिससे नौजवानों की उम्मीद ही टूट गई, आशाएं टूट गई, एक बार जनता को बता दें कि जो महंगाई है जिसका सामना हर महिला कर रही है, दुकान जाती है 5 चीजें खरीदने जाती है, 2 खरीद के आती है, घबराहट होती है, बच्चा बीमार पड़ जाता है इलाज के लिए घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है घबराहट होती है, घर में कुछ टूट गया उसकी मरम्मत करनी है, छत से पानी गिर रहा है, घबराहट होती है कि कैसे करेंगे, और बड़े इलाज तो छोड़ दीजिए, मोदी जी एक बार जनता को बता देना, हर मंच पे भाषण दे रहे हैं, एक भाषण में ये कह देना कि क्या किया है इन्होंने जनता के लिए, लेकिन वो कहने को राजी नहीं है। नहीं, उन्होंने कई उपलब्धियां आपने जो लाभार्थी स्कीमें की हैं, उनके कितने टॉयलेट्स किए, कितने आवास योजना बनाए, कितने सड़कें ठीक की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, इसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं विकसित भारत चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव में कह रहे हैं 2047 का मेरा एक लक्ष्य है, एक विकसित भारत, कांग्रेस पुराने बातों की बात करते हैं, आगे की बात, बहुत खुशी की बात है कि 2047 में विकसित भारत होगा, 10 साल पहले भी इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज फिर से कह रहे हैं विकसित भारत, तो इन 10 सालों में विकास क्यों नहीं किया। नहीं, वो ब्यौरा दे रहे हैं ना, कितने टॉयलेट्स बनाए, कितने, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, देखिए उज्ज्वला किसकी स्कीम थी, यूपीए की स्कीम थी, इन्होंने लागू की, राशन बांटना क्या है, राशन बांटने का जो ये जो अधिकार है, भोजन का अधिकार कौन लाया, कांग्रेस पार्टी, अधिकार है मतलब कि जनता का अधिकार है कि उन, यस, जनता का अधिकार है कि उनको भोजन मिलना है, राशन मिलना है, कोई भी सरकार आए, मोदी जी की आए, किसी और की सरकार आए, वो देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे एहसान कर दिया इन्होंने सब पे, एहसान नहीं है, अधिकार है जनता का। और मैं आपको बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारी सरकार थी 35 किलो राशन दिया गया, जब इनकी सरकार आई 5 किलो किया गया, तो आप समझ लीजिए कि कई ऐसी चीजें हैं जो मोदी जी अपने ब्यौरे में लिख के सबको दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इनकी कांग्रेस पार्टी में हुई, कई कितने पुल हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनका जाके यहाँ पे उद्घाटन किया उन्होंने, कहा लालगंज में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, इसको शुरू किया कांग्रेस ने, मोदी जी ने उद्घाटन किया, जाके पूछिए लालगंज में 1 महीने बाद क्या हुआ, पूरा टूट के गिर गया। तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं, और आप भी सही बात नहीं कह रहे हैं, चुनावी मंच पर जहां जहां मोदी जी प्रचार कर रहे हैं ज्यादातर वे यही बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से सावधान रहो, आपके भैंस चुरा लेगी, आपके मंगलसूत्र चुरा के किसी और को दे देगी। देखिए प्रधानमंत्री पद का एक स्तर होता है, बड़े बड़े लोगों ने, महान देशभक्तों ने इस पद को संभाला है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक है मेरे परिवार के हैं, मैं तो कहती हूँ वाजपेयी जी, शास्त्री जी, जैसे मनमोहन सिंह जी, जैसे महान नेताओं ने ये पद संभाला, सबने पद की गरिमा रखी, सबने पद का स्तर रखा, किसी ने इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल की और किसी ने इस तरह की बातें नहीं की कि जनता को मतलब आप बेवकूफ समझ रहे हैं कि चुनाव है और आप विकास की बात नहीं करते, जनता पिस रही है, किसान कमा नहीं पा रहा है, आप कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़, किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर रहे हैं और उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, उसके हर सामान पे, खेती के हर सामान पे आपने GST डाल दी, किसान आज के दिन कमा नहीं पा रहा है, एक समय में रोजगार मिलता था खेती किसानी से, आज कमा भी नहीं पा रहा है, और आप उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए मिडिल क्लास के लिए क्या कहा है आपने, तो आप किसी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं, और जो जो सचमुच विकास की बात है वो कर नहीं रहे, कर रहे हैं फिजूल की बातें,
और फिर आप कहते हैं विकसित भारत, ठीक है फिर हम इंतजार करते हैं 50 साल और विकसित भारत के लिए। प्रियंका जी, क्या वजह है कि आम चुनाव 2014 में होते हैं कांग्रेस को 44 सीटें आते हैं, आम चुनाव होते हैं 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें आती है, और अभी भी ऐसे जो पोल एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव भी जीतेगी, मोदी जी और बीजेपी तो कह रहे हैं 400 पार। दो चुनाव लगातार इतनी बड़ी हार के बाद अगर मोदी जी कुछ नहीं करते तो फिर वो क्यों जीत रहे और कांग्रेस क्यों पीछे पड़ रही है? मोदी जी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मीडिया मशीनरी है, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में अव्वल होगी सबसे पहले। दूसरा देखिए, दो चुनाव जीत गए जी। सही कहा आपने, आपने ये भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। दो चुनाव इन्होंने ये सारी धर्म की बातें करके चुनाव जीते। आज ये चुनाव है जिसमें जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो हमारे जीवन में है, सच्चाई तो वो मजदूर है जिसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, सच्चाई तो वो महिला है जो दुकान जाती है कुछ खरीद नहीं पाती, सच्चाई तो वो किसान है जो कमा नहीं पा रहा है, सच्चाई तो वो माँ बाप है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आज कर्ज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को अभी भी नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक। ये सच्चाई है। अब एक सच्चाई अपने जीवन में देख रहे हैं, दूसरी सच्चाई टीवी पे देख रहे हैं, चमकते हुए प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े सेठों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, और उनको बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, कि देश आगे बढ़ रहा है, कि जितना देश में 10 सालों में हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ, लेकिन अपने जीवन में तो नहीं दिख रहा ना। तो अब जनता जागरूक हो रही है, अब जनता कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरे जीवन में तो तरक्की आई नहीं। तो अब जनता कह रही है कि ये चुनाव जो है हमें उन मुद्दों पे बिल्कुल नहीं लड़ाना, ये चुनाव हमें अपने मुद्दों पे लड़ाना है। हम चाहते हैं कि आप बेरोजगारी की बात करें, हम चाहते हैं आप महंगाई की बात करें, हम चाहते हैं आप बताएं आप हमारे लिए करेंगे क्या। अब कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार की शुरुआत से यही कह रही है कि देखिए हम ये स्कीम्स लाए हैं आपके लिए, ये है हमारी गारंटीज, हम 1,00,000 रुपए एक सालाना महिलाओं को देना चाहते हैं, हम जो भी हमारी गारंटीज है वो सारी हम बताते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए हम आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो जनता सुन रही है क्योंकि कोई उनकी बात कर रहा है। इससे दो मुद्दे उठते हैं, आपने जो बात कही, एक तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये आपने कहा। मुझे याद है कि सोनिया गांधी जी हमारे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आई थी 4-5-6 साल पहले, और उन्होंने कहा था बीजेपी ने बड़े आसानी से कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी एक तरह से बनाया है, और कांग्रेस ये जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें वो बीजेपी को कॉम्बैट नहीं कर पाई। तो एक तरह से उनका तो वोट बैंक, बीजेपी का तो वोट बैंक बढ़ गया, और आपको एक तरह से मुस्लिम पार्टी ब्रांड किया गया। अब जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं जाती है तो बीजेपी कहती है ये एंटी हिंदू पार्टी है, तो कैसे ये एक आपकी एक ब्रांडिंग हो गई है एंटी हिंदू पार्टी। ये तो इसमें आप लोगों ने खूब मदद की है बीजेपी की इस ब्रांडिंग में, और ब्रांडिंग काफी समय से चल रही है, लेकिन आप हमेशा मीडिया को दोष दे रही हैं। नहीं, दोष नहीं देती, देखिए एक दोष बिल्कुल नहीं देती, मैं आपको कितने समय से जानती हूँ, बिल्कुल दोष नहीं देती हूँ, लेकिन एक सच्चाई है ना देश की, सच्चाई तो ये है कि बड़े बड़े जो मीडिया के घराने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं या उन्हीं के हैं, सच्चाई है ना, इस सच्चाई से आप भाग तो नहीं सकते। और सच्चाई है कि इन बड़े उद्योगपतियों की साठ काट है मोदी जी के साथ, लेकिन जो आपने इससे सवाल किया कि हमारी ब्रांडिंग ये कर दी है कि हम धर्म विरोधी पार्टी हैं या हिंदू विरोधी पार्टी हैं, आप मुझे बताइए हमारे सबसे बड़े नेता कौन है, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है बताइए, आप मुझे बताइए। सब महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेता रहे, ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था, ये महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी अपनी जायदाद सब कुछ देश को देके इसमें जुड़े जी बिल्कुल ठीक है, और तमाम लोग जुड़े इसमें, वो गांधी नेहरू का जमाना था, वो नहीं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप सुन लीजिए, वो पूरा आंदोलन हिंदू धर्म की जो सीख है उस पर आधारित था, सत्यमेव जयते, सत्य के पथ पर चलना ये हिंदू धर्म की सीख है, हर हिंदू महात्मा ने, हर हिंदू गुरु ने, हर हिंदू संत ने यही कहा है, हमारा पूरा आंदोलन उस पे चला, पूरी पार्टी ने उस आंदोलन में भाग लिया, जेल गए 13-14 सालों के लिए लोग जेल में रहे, पंडित जी 13 साल के लिए जेल में रहे, सबने शहादत दी, तमाम लोगों ने, और पूरी पार्टी इससे ही बनी,
हमारी पार्टी का आधार ही ये है। महात्मा गांधी जी को गोली लगती है, क्या निकलता है उनसे, उनके मुंह से, हे राम हे राम हे राम। तो आप कहां से हम धर्म विरोधी पार्टी बन सकते हैं? हम बन ही नहीं सकते धर्म विरोधी पार्टी, वोट बैंक पॉलिटिक्स पार्टी बने। अरे छोड़िए वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो ये लोग कर रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या कर रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं। हम क्या अपनी गारंटीज में कह रहे हैं इसको देंगे उसको देंगे इसको नहीं देंगे? हमारी जो गारंटीज है सबके लिए, हमारा विकास हमेशा सबके लिए रहा, यही हमारा। देखिए देखिए तो मुस्लिम रिजर्वेशन, अब वो तो कुछ भी कह लेते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम भैंस चुरा रहे हैं आपकी, वो तो कुछ भी कह देते हैं। अरे उनका जो पूरा प्रचार रहा है, परसों प्रधान, दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपने पूरे प्रचार, अपनी पूरी राजनीति, अपनी पूरी विचारधारा का खंडन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो फिर शायद आप कुछ समझ रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे, क्योंकि आपने जो प्रचार किया है, जो देश के सामने बोला है, रोज रोज बोलते हैं, उसका आपने खंडन कर लिया। अगले दिन जाके आप फिर से वो बातें बोलने लगे, तो उनकी बातों में तो वजन है ही नहीं। अब मैं अपना समय बर्बाद करूंगी उनकी बातों का जवाब देते हुए जब उनकी बातों में वजन नहीं है? एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन बदल देते हैं। मैम आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलती, लेकिन क्या आप मानती हैं, मैं पूछ रहा हूँ, राम प्राण प्रतिष्ठा में न जाना मिस्टेक थी कांग्रेस की या नहीं? अगर आप हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखें तो आप कुछ भी कह सकते हैं। धर्म एक राजनीतिक मसला नहीं है, धर्म हर हिंदुस्तानी के दिल का मसला है। हर हिंदुस्तानी के दिल में भगवान है, चाहे वो राम भगवान, भगवान राम हो, चाहे शिव जी हो, चाहे किसी और धर्म के हो, कोई गलती और नहीं। सुनिए मेरी बात, तो जो धर्म है वो दिल में हर हिंदुस्तानी के है। जहाँ आस्था है, जहाँ देश की आस्था है और जनता की आस्था है, उसका आदर होना ही चाहिए। तो इसमें ये कहना गलती की नहीं गलती की, ये तो आप राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें भाजपा से न्योता आया था, तो ये स्पष्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। हम आदर करते हैं पूरी तरह से देश की जहां आस्था है उस जगह की का हम आदर ना करें ये हो ही नहीं सकता। हम देश के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। दो बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, एक है युवा एक है महिला, क्योंकि आपने बेरोजगारी की बात की और आपने महंगाई की बात की। पहले आते हैं महिला पर, क्योंकि आपने 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आपने कई महिलाओं को टिकट भी दी। मिले कितने? 40% करीब दे मिले कितने आपको? दो ही आपके उम्मीदवार जीत के आए, 90% की डिपॉजिट हार गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मोदी योगी की जो डबल इंजन है महिला भी उससे प्रभावित हुए। अगर क्या वजह है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस दो चुनाव हारती है, यूपी में लगातार हार रही है, तो अगर महिलाओं के लिए आपने ये सब किया, महिला मोदी जी और योगी जी के साथ क्यों गए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह देती हूँ आपको, जो आप यकीन नहीं करेंगे, कि मुझे शुरू से मालूम था कि क्या रिजल्ट आने वाला है। शुरू से हमें कोई गलत फहमी नहीं थी, लेकिन हमने ये तय किया कि इसके बावजूद हम लड़ेंगे और थोड़े नए तरीके से लड़ेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का पूरा कैंपेन किया। वो एक तो कैंपेन मेरे ख्याल से अच्छी थी, चली नहीं, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूँ। क्यों नहीं चली? संगठन नहीं है कांग्रेस का, संगठन इसकी बड़ी बहुत वजह है। यूपी में संगठन बहुत कमजोर, लेकिन मैं एक बात खत्म कर देती हूँ फिर दूसरे का जवाब देती हूँ। तो ठीक है, यूपी में चली नहीं, उसका नतीजा नहीं आया, लेकिन हमने एक नई चेतना हमने देश में हम ला पाए, ठीक है। और वो चेतना क्या थी कि महिलाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है इस देश में, और खास तौर से जो जवान महिलाएं हैं, जो अभी जिनका अभी जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी थोड़ी अलग हैं आजकल, तो मुझे तो बहुत गर्व है कि उसके बाद से काफी राजनीतिक दलों ने महिलाओं पर अपना ध्यान देना शुरू किया। ये जागरूकता आ गई राजनीतिक दलों में भी कि भाई महिलाओं को, तो फिर चाहे बीजेपी हो चाहे अलग अलग पार्टियां हो प्रदेशों में, सबने, अगर आप देखें, हमने जो महिला मैनिफेस्टो निकाला था शक्ति विधान, उसमें जो जो लिखा था उसको लेकर अगर आज आप कंपेयर करें कि कौन सी अलग अलग देश भर में पार्टियां हैं जो उसमें से लेकर कई घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए,
तो ये तो अच्छा ही है। देखिए, हम चाहते थे कि एक चेतना बने महिलाओं के बारे में। मेरे लिए एक 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 व्यक्तिगत मुद्दा है, मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, भागीदार होना चाहिए देश की राजनीति में, देश के निर्णय लेने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर दूसरी पार्टियां भी कर रहे हैं तो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके बावजूद केवल 2 सीटें आई, तो या तो संगठन की कमजोरी है, या तो एक कांग्रेस की छवि, जैसे मैंने कहा, बन गई है, या तो परिवारवाद की पार्टी है या भ्रष्ट पार्टी है। ये दो बीजेपी बार बार कहती है, भ्रष्ट पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, पार्टी परिवार है। देखिए, तो क्या वजह है कि 2 ही सीटें? सबसे क्या वजह ये है कि यहाँ पे संघर्ष बहुत है यूपी में। ये कहना कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, ठीक नहीं है। यहाँ हमारा संगठन 32 सालों से सरकार में नहीं रहे, सत्ता नहीं रही, 32 सालों से हमारी पार्टी नीचे ही चली जा रही थी। तो देखिए, आज यूपी में हमारा संगठन मजबूत नहीं है। हमने बनाने की, उस समय जब मैं यहाँ काम कर रही थी, तो बनाने का बहुत प्रयास किया, और हमारे जो काम थे उसका नतीजा शायद इस चुनाव में थोड़ा दिखेगा, क्योंकि हमने हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में संगठन बनाने का काम किया। ये काम ऐसा नहीं है कि ऐसे खट से हो सकता है, ये काम है जिसमें बहुत गहराई से बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमने खूब प्रयास किया और हमें मालूम था कि उस चुनाव में नतीजा नहीं आएगा, लेकिन हमने, जैसे आपको कहा, कि हमने तय किया कि हम चुनाव पूरे दम से लड़ेंगे, चाहे नतीजा आए ना आए। उसके बाद आस्ते आस्ते संगठन में परिवर्तन भी आया। आज अगर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी एक अंडर करेंट जैसी है जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस उठा पा रहे हैं, तो उसका एक वजह भी ये है, बहुत वजह है, लेकिन एक वजह भी ये है कि कम से कम हमारा संगठन गांव में, ब्लॉक में, जिले स्तर पर दिखने लगा और लड़ने लगा, हम लड़े। मैं अंडर करंट और मैं आखिर में आऊंगा या आपका क्या अनुमान है, लेकिन एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है युवा। आपने बेरोजगारी की बात की, पेपर लीक्स की बात की, जहां भी जाते हैं ये मुद्दा है, लेकिन सवाल उठता है एक जनरेशन आया है 91 के बाद, उनको ना इंदिरा गांधी की याद है, ना जवाहरलाल नेहरू, ना राजीव गांधी। वो जो जनरेशन है वो कहता है, यार मुझे कैंडिडेट चाहिए मेरिट पर, मुझे परिवार की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मुझे एक नया भारत चाहिए। और मोदी जी ने उस भारत को फोकस किया है। आप परिवार, और आपके जो राज्य थे जहां आप रोजगार दे सकते थे वहां नहीं मिला है, इसलिए अगर आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, बीजेपी कहेगी तो फिर आपने राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया? आप लोग तय कर लीजिए कि आपको कहना क्या है। आप कहते हैं परिवार की पॉलिटिक्स, परिवार की पॉलिटिक्स, फिर आप पूरा अभियान चलाते हैं, भाजपा चलाती है, आप चलाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, उसमें परिवारवाद नहीं है, वो आपके कन्वीनियंस के लिए है। तो जब आपके कन्वीनियंस के लिए होता है आप उठा लेते हैं मुद्दा, और परिवारवाद की बातें ये करते हैं। इनके जरा गिनिए कितने बच्चे, कितने चाचे, चाचियां, भतीजे सब इनके पार्टी में है, बताइए। मैं आपको निकाल के दे दूंगी कितने परिवार इनकी पार्टी में। डिसीजन आपके पार्टी में एक ही परिवार लेता है ना, उनका बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी भाजपा की तरह नहीं है जहाँ निर्णय एक जना लेता है, तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी सब निर्णय लेते हैं, मंत्रियों को भी स्वतंत्रता नहीं दी है। वो मंत्री जो प्राइवेट में होते हैं वो रोते हैं कि भाई हमें भी इतनी स्वतंत्रता नहीं कि हम एक निर्णय ले पाए। हमारी पार्टी अगर ऐसी होती तो आप ये आलोचना नहीं करते हमारी पार्टी की कि भाई कांग्रेस पार्टी को देखो, कांग्रेस एक लाइन पकड़ रही है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। हमारी पार्टी सचमुच लोकतांत्रिक पार्टी, ज्यादा लोकतंत्र है। आपने ये धारणा बना रखी है कि सारा परिवार तय करता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं और उनकी ये इंसल्ट है। हमारे अध्यक्ष एक बहुत अनुभवी नेता है, मेरे ख्याल से 9-10 चुनाव जीते हैं, 11 चुनाव जीते हैं, दशकों के लिए राजनीति की है, तमाम संघर्ष झेले हैं, पर्सनल और राजनीतिक भी। और ये कहना कि वो तो कठपुतली है, कोई और तय कर रहे, एकदम गलत है। ये जरूर है कि वो जहाँ उनको जरूरत पड़े वो सलाह लेते हैं, सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी से नहीं, लेकिन वो मनमोहन सिंह जी से भी सलाह लेते हैं, चिदंबरम जी से भी सलाह लेते हैं, जो भी वरिष्ठ नेता है पार्टी के उन सबसे सलाह लेते हैं। और इसमें क्या, कौन सी बुरी बात है? क्या ये 2024 का चुनाव, जैसे हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं, क्या ये कहा जाए मोदी बनाम राहुल गांधी अभी भी एक लेवल पर है, और कामदार वर्सेस नामदार जो बीजेपी कहती है, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी कामदार नहीं है। अगर बीजेपी कामदार होती तो उनके बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत होती कि अपने काम पे वोट मांगते। उनके बड़े नेता जो हैं कायर हैं,
सबसे बड़े कारण प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद हैं। वो जनता के सामने खड़े होके इतना नहीं बता सकते कि बेरोजगारी आज चरम पे क्यों है उनके कार्यकाल में। यही तो सवाल है कि मोदी जी बार बार नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करते हैं और आप मोदी जी को, मैंने आपका एक भाषण सुना, आपने कहा मोदी जी बड़ी गाड़ी में जाते हैं, कुर्ता हर 10 मिनट बदलते हैं, आम जनता से नहीं मिलते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। देखिए राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जनता से जुड़ रहे हैं, ये बड़ा पर्सनल लगता है। मोदी जी बनाम नेहरू गांधी परिवार बड़ा पर्सनल है क्योंकि हर भाषण में या तो वो आपका जिक्र करते हैं या आप उनका, और चुनाव बन जाता है मोदी बनाम नेहरू गांधी परिवार। देखिए मोदी जी को कुछ सनक है मेरे परिवार के बारे में, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम क्यों है, लेकिन हमें नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम विपक्ष हैं, सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। हम सवाल ये आज उठा रहे हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है, आप मानेंगे कि जनता की बात होनी चाहिए। आप ये भी नहीं नकार सकते कि मोदी जी ने भैंसों की बात की है, मंगलसूत्र की बात की है, तमाम फिजूल की बातें की हैं, और उन बातों का फिर खंडन भी किया है, फिर उन बातों को रिपीट किया है। तो हम तो देखिए, हम विपक्ष के नेता हैं, हम मोदी जी के चमचे नहीं हैं। हम सवाल उठाएंगे, ये हमारा काम है। और ये चुनाव जो है मोदी जी बनाम राहुल नहीं है, ये परिवारवाद बनाम मोदी जी का जो भी वाद आप कहते हैं वो नहीं है। ये चुनाव जनता के बारे में है, ये चुनाव इन चीजों के बारे में है जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं। हम महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए देना चाहते हैं ताकि महंगाई की जो मार पड़ी है इन पे 10 सालों में, इसका सामना कर पाए। हम नौजवान स्नातक पास के लिए हम पहली नौकरी पक्की और 1,00,000 सालाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नौजवान बेरोजगारी से पिस रहा है। पेपर लीक के खिलाफ हम मजबूत कानून लाना चाहते हैं क्योंकि पेपर लीक ने लोगों के जीवन बर्बाद किए हैं। ये आपके राज्य में आप कर लेती तो और आपको सुन लीजिए, 28 साल के हो जाते हैं बच्चे, 28 साल के हो जाते हैं, पेपर लीक पेपर दे के इंतजार कर करके कि एक दिन नियुक्ति हो गई, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, शादी नहीं हो पाती। हम कह रहे हैं किसानों के कर्ज माफ करेंगे, किसानों के समान खेती के समानों से GST हम हटाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में किसान पिस गया है, आत्महत्या कर रहा है 1,00,000 रुपए के लिए, और मोदी जी माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के कर्ज। तो हम ये बातें कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता बनाम गलत तरह की जो राजनीति है, जो राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए कुछ भी कह देगी, कुछ भी कर लेगी, उस तरह की राजनीति के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहा कि अभी तक गांधी परिवार और कांग्रेस, ये बात उनको पचती नहीं है कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है, 10 साल से अभी तक वो हजम नहीं हो रही उनको। इससे दूर कोई मतलब ये जो विचार है ये एकदम गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। अगर ऐसा है कि एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बने तो हमें भी गर्व है कि हमने एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया जिसमें हर जने को, हर व्यक्ति को इस देश में मौका मिला। और हम ये आलोचना तो कभी नहीं करते मोदी जी की, ये आलोचना तो बिल्कुल कभी नहीं करते कि मोदी जी ये गरीब परिवार से आए और इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। हमें भी गर्व है इस बात पर, सिर्फ मोदी जी को गर्व नहीं है। प्रियंका जी, मैं आपको पहली बार यहाँ मिला अमेठी में 1999 में, अभी भी आपको याद होगा, आप तब सोनिया गांधी जी के लिए पहली बार कैंपेन कर रही थी। अब आप अपने भाई के लिए कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 25 साल में प्रियंका गांधी वाड्रा में सबसे बड़ा बदलाव क्या है। मैंने शुरुआत की कि आप प्रत्याशी कब बनेगी, आपने कहा मैं फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने ये 25 सालों में क्या बदलाव। सफेद हो गए और रंगवाने पड़ते। नहीं नहीं, उसके अलावा तो कुछ तो हुआ होगा। ये कहा जाता है ना कि आपने मुझे कहा कि शुरुआत में कहा कि क्या है अगर मैं प्रत्याशी नहीं बनूं, मैं पार्टी के लिए काम करती हूं। लोग समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी, मैंने बहुत कुछ आपको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना। कोई बात नहीं, जनता माने न माने, जब समय आएगा मैं करूंगी। जनता के साथ मेरा एक रिश्ता है, बना रहेगा। और देखिए कैसे बदली है आप, बहुत बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। राजनीति के बारे में बहुत सीखा है, देश के बारे में बहुत सीखा है, जनता के संघर्षों के बारे में बहुत सीखा है। हार जीत हो, आप राजनीति में रहेंगी, हार जीत हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर कांग्रेस तीसरी बार हारती है
तो नेहरू गांधी परिवार को धीरे धीरे हटना पड़ेगा, कोई और नया चेहरा। देखिए, ये नेहरू गांधी परिवार जो आपने अपने मन में धारणा बनाई है ना, ये हम अपने आप को ऐसे देखते ही नहीं है। हमारी कोई, हमें कभी ये नहीं सिखाया गया था कि तुम इस परिवार के हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना है, ना मैंने अपने बच्चों को सिखाया। आप मेरे बच्चों से मिले हो, हमारी मतलब हमारी परवरिश भी ऐसी नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा, हमें कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है या तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। फोर्स नहीं किया, दिमाग में नहीं आया, कभी फोर्स नहीं किया। सोनिया जी ने आप या राहुल को, मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक ज्योतिषी आए हमारे घर, ऐसे मतलब पॉलिटिकल टाइप के ज्योतिषी थे। अब पिताजी का इंतजार कर रहे थे, मैं गुजर रही थी वहां से, 12-13 साल की होंगी, हाथ देख लिया मेरा, बड़ी होके आप प्रधानमंत्री बनेंगे। पिताजी ने सुन लिया और मुझे डांटा, तुम क्या कर रही हो, ये सब बातें बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में नहीं जानी आनी चाहिए। मतलब कि उनके ये जो धारणा है ना कि हमारे परिवार ने हमेशा सिर्फ सत्ता के लिए, हमें सत्ता चाहिए, हमने राज किया है, हम अपने आप को महाराजाओं की तरह समझते हैं, एकदम बकवास है। आप मेरे घर आइए, देखिए कोई हम महाराजाओं की तरह रहते हैं या ऐसे जैसे हम कोई बड़ा पता नहीं कैसा परिवार है। साधारण है हमारा जीवन, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ना हमने कभी ये धारणाएं रखी हैं कि हमें कुछ सत्ता चाहिए या सत्ता को किसी भी तरह से पकड़ के रखना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है जी। देखिए, जिसने ना, आपने पहले मेरे पिताजी की बात की जी, जिसने इतनी हिंसा देखी है जो राहुल और मैंने देखी है, 12 साल की उम्र में हमें, हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी, हम एक ही घर में रहते थे। आज भी वो घर म्यूजियम बना है, आप देख सकते हैं, और वहां भी आप देखेंगे कि एकदम साधारण टाइप का जीवन। आज आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ प्रधानमंत्री रहती थी, इस लकड़ी के पलंग पे और जमीन पे चटाई भी नहीं है। तो खैर, वो अलग बात है। मैं कह रही थी कि उनकी जब हत्या हुई, हम 12 साल के थे, हमारे घर के अंदर हत्या हुई, हमने अपनी माँ को देखा, माँ ने उनका शरीर उठा के वो ही ले गई अस्पताल। माँ सदमे में थी, बहुत समय के लिए सदमे में थी। उसके बाद 7 साल बाद हम 19 साल के, भैया 21 साल के थे, पिताजी की मृत्यु होती है और इस तरह से होती है, पिताजी सिर्फ 46 साल के थे। तो हमारे मतलब एक, जब ऐसी चीजें होती है ना जीवन में, किसी के भी जीवन में, कोई भी हो, जिनके पिता आकस्मिक मौत से गुजर गए हों या कुछ ऐसा होता है, तो किसी के भी जीवन में होते हैं, तो जीवन में एक अलग तरह की गहराई आ जाती है, उस जीवन की समझ ही अलग हो जाती है। तो कोई प्रेशर नहीं आप पर या आपके भाई पर कि, या सोनिया जी ने डाला कि आपको राजनीति करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप राहुल गांधी को सबसे अच्छी तरह से जानती है, राहुल में क्या फर्क आया है, क्या वो तैयार है? फर्क आपके नजरिए में के बनने फर्क आपके नजरिए में है, राहुल में नहीं है। राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी, जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ, कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ, वो सच बोलते हैं। आपको भी मुंह पे सच बोल देंगे आपको, इसलिए तो लोग थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम थोड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, जो भी बोलना है, मेरी भी आदत है, मैं ऐसी मुंहफट नहीं हूँ, वो थोड़े से मुंहफट है। जीत हो, आप दोनों रहेंगी राजनीति में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रहेंगे, हार जीत हो और क्या। हम तो यार, ये कोई सवाल है, इतने समय से राजनीति में रहे हैं। राहुल जी तो मेरे ख्याल से अब 20 सालों से, और देखिए, राहुल मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेता नहीं होगा इस पूरे देश में जिसके खिलाफ इतनी संगठित और इतनी धनराशि जिस कैंपेन पे, उनके खिलाफ जो कैंपेन की गई भाजपा के द्वारा, इतनी धनराशि किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता का की इमेज खराब करने के लिए इस पूरे देश में नहीं की होगी। राहुल जी को मीडिया से लेकर, भाजपा के नेता से लेकर, सबने, इन्होंने इतना आक्रमण किया राहुल जी पे और इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत गलत धारणाएं फैलाई इनके बारे में, फिर भी राहुल जी की इतनी हिम्मत है कि झुकते नहीं है, डरते नहीं है। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, इन्होंने तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, कहीं कहीं, ताकि दौड़े रहे मुकदमों में हाजिर होने के लिए।
लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं, और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। इतना जानते हैं, इतनी जानकारी है और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो खुद सब बैठ के तय करेंगे। जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तय करेगा जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि जून 4 को नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, 2004 रिपीट होगा, या आप मानती हैं कि बीजेपी फ्रंट रनर है और आप बैकफुट पर हैं? नहीं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है। बैकफुट पे मोदी जी हैं, जो फिजूल की बातें करने लगे हैं और जो अपने प्रचार का खुद खंडन करने लगे हैं चुनाव के बीच में। बैकफुट पे मोदी जी हैं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए और हम सिर्फ लगातार यही कह रहे हैं, मोदी जी मुद्दे पे आइए। मोदी जी मुद्दे पे आ नहीं पा रहे हैं, मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है आज। तो हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। मैं तो उनको छोटी हूं उनसे, लेकिन उनको सलाह अभी भी दे देती हूं कि अभी भी जनता की बात कर लें, अभी भी कर लें। प्रियंका जी, हम ये इंटरव्यू यहाँ एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, यू आर कॉल्ड, आपको कहा गया था कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र होंगी जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आई, आप अपने आप को किस तरह से देखती है? क्या वो एक चीज है जो जनता नहीं जानती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, जो हमें आज जाननी चाहिए? आप ब्रह्मास्त्र है, क्या है, आप अपने आप को किस तरह से देखती है, और क्या है वो एक चीज जो हम नहीं जानना, हमें जाननी चाहिए जो हम नहीं जानते? देखिए, मैं सच्चाई ये है कि मैं राजनीतिक संदर्भ में अपने आप को मैं एक कार्यकर्ता समान देखती हूँ। मैं देखिए, यहाँ पे भी चुनाव है, मैं तीन जाके मेरी आदत है, मैं क्या बताऊँ, रैली चल रही है तो मैं जाके खुद देखूंगी कि कितने झंडे बटे हैं, नहीं बटे तो खड़ी होके बटवाऊंगी। मैं थोड़ी इस तरह की हूँ क्या, अच्छा मैं थोड़ी बारीकियों में घुसती हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक नहीं सोती, फिर उठ के निकल जाती हूँ 12 घंटे, फिर वापस आके सबको तंग करती हूँ कि भाई तुमने क्या किया, तुमने अपना काम की नहीं किया, ये क्या है, ये लिस्ट बना देती हूँ, ये करना है, चलो वहां जाके देखते हैं। तो मैं थोड़ा, ये मैंने सुना इंदिरा गांधी बहुत करती थी, अब वो नहीं मालूम मुझे इतना। पर आखिर में चुनाव के बाद वी विल सी यू इन सम न्यू अवतार, कोई नया अवतार होगा या वही करती रहेंगी? मैं बार बार आपको ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रूमर क्या है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों जीतते हैं तो वो वायनाड रहेंगे, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा 6 महीने बाद लड़ेगी। देखिए, ये सही है गलत है? देखिए, मेरे अवतार तो आप लोग ही बनाते हैं। अब मैं यूपीआई जनरल यहाँ की महासचिव बनी जी, आपने फिर भी वही अवतार ढूंढना मुझ में जो पुराना वाला था, फिर यहाँ का चुनाव भी लड़ा है। चेहरा बनेगी मुख्यमंत्री के लिए, दावेदार बनेगी। तो ये तो आपकी धारणा है ना, ये तो आपकी धारणा है। प्रियंका गांधी का भविष्य किस तरह है राजनीति? अब मैंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ मेरा भविष्य, बट यू आर नॉट रूलिंग आउट। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा भविष्य ये है कि मैं जनता की सेवा और कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार करती रहूंगी हमेशा के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने हमें बहुत कुछ इस इंटरव्यू में बताया, आपके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और 2024 के चुनाव के बारे में, और ये भी जबकि आप 10-11 रैलियां नुक्कड़ सभा कर रही हैं, बहुत गर्मी भी है। आज तो खैर आखिरी दिन है, तो आज सिर्फ एक रोड शो रखा है, लेकिन आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक वी विश ऑल द पार्टीज। और आई मस्ट से राजदीप, योर हिंदी हैज इंप्रूव्ड। माय हिंदी हैज इंप्रूव्ड तो 99 और अब में ये एक फर्क आ गया। आई वाज 99 में और आज में इतना फर्क आ गया, आप में कोई फर्क नहीं आया, मुझ में इतना फर्क आया कि मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई। नहीं, मुझ में भी बहुत फर्क आया, लेकिन वो ये कहां इंटरव्यू में कहां बताएं। चलिए, एक तो बता दीजिए क्या कि क्या फर्क आया है। नहीं, एक समझ में फर्क आया है, खासतौर से राजनीति और देश के बारे में, खासतौर से जब मैंने यूपी में काम किया तो लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो हमेशा देखी थी मैंने, हमेशा माँ बाप के साथ घूमी थी, गांव में गई थी, लेकिन
कभी कभी ये हो जाता है ना कि बचपन में कुछ हो जाता है, जैसे पिताजी का देहांत हो गया तो ये सोच लिया कि इतनी बड़ी चीज हो गई है कि उसी दायरे में रह गए काफी समय के लिए, फिर यहाँ आए देखा एक क्या दो दो परिवार के सदस्य कट के मर गए हैं, किसी को जला दिया गया है, किसी का अत्याचार किया है, किसी पे भयानक से भयानक अत्याचार बरसा दिए गए हैं और लोग चले जा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। क्योंकि आपको फिर मैंने सीखा जो खान मार्केट गैंग एंटाइटल्ड लटियंस एलीट कहा जाता था उससे आप उभर कर आई। देखिए ये मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि ये लटियंस एलीट तो मैं कभी नहीं रही हूँ, ना मैं इन लोगों के साथ, मैं तो कभी गई नहीं विदेश पढ़ने के लिए, ये सब मैं तो जेएमसी की पढ़ी हुई हूँ। मेरी सारी सहेलियां जो है वो साधारण परिवारों की थी, वो कोई बड़ी एलीट तो थी नहीं, लटियंस की थी नहीं इस तरह से। हाँ तो सरनेम था, तो सरनेम से क्या होता है, सरनेम से क्या होता है, वो तो मेरे रहन सहन से होगा ना, क्या हूँ। वैसे खान मार्केट बुरी मार्केट नहीं है, वहां तो कभी कभी मैं जाती हूँ। हाँ, आपने ये भी कहा कि जैसे मैंने कहा कि आप कह रही थी कि आप सादगी चाहती है और आप समझ, मेरा जीवन ऐसा ही रहा है, मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसा ही है। चलिए आपने ये भी आज एक स्पष्टीकरण हमारे सामने रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने बहुत समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कांग्रेस की स्टार प्रचारक। क्या एक दिन आएगा जब हम कह पाएंगे कांग्रेस की स्टार प्रतिनिधि, वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।